दोस्तों, आपको पता है हमने पंजाब का सफर स्टार्ट किया माशाल्लाह। तो पंजाब के सफर में हमने जो मुलाकात करने जा रहे हैं, बहुत खास जो इंसान से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, अजंता न्यूज़ पे पूरी मुकम्मल जानकारी देंगे। तो पंजाब में पहले हम जाएंगे लुधियाना, और लुधियाना में शाही इमाम साहब से मुलाकात करेंगे। आपने बने रहना चाहिए हमारे साथ वाले। तो बहुत से लोगों से हमने बात भी की है, वो भी आपको हम बताने वाले। तो इसी तरीके से अच्छा वीडियो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। शिहाब भाई के लिए दुआ भी करें, सबसे लोगों से बात की हमने माशाल्लाह, जो जो भाई से हमने बात की है उन्होंने शिहाब भाई के लिए दुआ भी करें। तो उसी में आपको पूरी मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए आपने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज जा रहे हैं हम लुधियाना साहब, शाही इमाम साहब से मुलाकात करने के लिए, और कुछ लोगों से वहाँ बात भी करेंगे। तो माशाल्लाह बने रहे हमारे साथ, जो बहुत खास वीडियो आप भी के लिए, जो आपको हम बताने वाले, जामा मस्जिद भी बताने वाले, जो लुधियाने की जामा मस्जिद और शाही इमाम साहब से मुलाकात करने वाले। तो वीडियो में पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले। तो मेरे साथ बने रहे, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से हम बात भी करने वाले हैं वहाँ जाके। तो माशाल्लाह आप शिहाब भाई को जानते होंगे? जी जानते हैं। अच्छा, कब से जानते हैं आप? सबसे उनको देखा, अपने यूट्यूब पे देखा, उनको आज के लिए सफर निकले हो तभी से देख रहे हैं। अच्छा, शिहाब भाई को जानते हो आप भी? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। तो आप भी दुआ करना शिहाब भाई के लिए कि सफर जल्द से जल्द, अल्लाह ताला उनका सफर कामयाब करे और उनका सफर पूरा कर दे, उनकी परेशानियां खत्म कर दे, और अल्लाह ताला सभी दीन भाइयों को वहाँ भेजने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील, कहाँ से हो आप? मैं आगरा से हूँ। आप भी आगरा से? अच्छा, आप भी? वालेकुम, क्या नाम है भाई आप? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद असलम। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? अच्छा। तो दोस्तों, अम्बाड़ा केंद्र में हम, मैं अम्बाड़ा केंद्र, बहुत बस स्टॉप है, हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने, तो इस तरफ जामा मस्जिद जाने का हमको ये रिक्शा में आया, हम बस स्टॉप से आए, ये ब्रिज है, तो उस तरफ ब्रिज पार करके जामा मस्जिद में जाने का है। तो बने रहे हमारे साथ, जो बहुत ख़ास शख्सियत से मिलने वाले हम। तो अभी रात में तो नहीं मुलाकात होंगी, दिन में मुलाकात होंगी। तो माशाल्लाह बने रहे हमारे साथ, दिन का वीडियो भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तो मस्जिद माशाल्लाह, जामा मस्जिद, लुधियाना जामा मस्जिद, तो बहुत ही अलीशान मस्जिद है माशाल्लाह, क्योंकि आप खुद जान सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है, जो पूरे लाल उसमें बनी हुई है। और ये इमाम साहब, शाही इमाम साहब की गाड़ी भी खड़ी हुई है, और ये सामने जो पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। और शाही इमाम साहब से मैंने मुलाकात किया और इसे आपको बताई है। ये जामा मस्जिद का पहले वीडियो आपको बता रहे हम। तो माशाल्लाह यहाँ हम शाही इमाम साहब से मुलाकात के लिए आए थे, मेरी मुलाकात हो गई और अच्छे से बात करने वाले। तो बने रहे हमारे साथ, अगले पार्ट में माशाल्लाह आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सही क्या हकीकत क्या है वो आपको हम बता का आपको हम बताने वाले, अंदर का भी सीन बताने वाले और बाहर से तो बता दिया आपको हमने। फिर और एक बार हम इमाम साहब से बात करेंगे, वो भी वीडियो अपलोड करेंगे। हम फजर की नमाज़ के बाद माशाल्लाह कुछ भाई मिले हमको, तो उनसे हम बात करने वाले। क्या नाम भाई आपका? राम घोष। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? आगरा। आगरा के रहने वाले? अच्छा, तो आगरा के रहने वाले, यहाँ किस लिए आए आप? जूते के कारोबार के लिए आते हैं। जूते के कारोबार के लिए? तो माशाल्लाह आप शिहाब भाई को जानते होंगे? जी जानते हैं। अच्छा, कब से जानते हैं आप? सबसे उनको देखा, अपने यूट्यूब पे देखा, उनको आज के लिए सफर निकले हो तभी से देख रहे हैं। क्या बोलना चाहिए उनके लिए? उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उनको उनका सफर पूरा हो जाए, सफर पूरा हो जाए। और माशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करो आप भी, और सबको बोलो घर में भी, क्या भाई शिहाब भाई के सफर के लिए दुआ करो। सारे मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह, सभी आज के लिए जाएं इंशाल्लाह। तो और एक भाई हमारे इनसे बात करनी है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जैनुल आबिदीन। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं भी आगरा से हूँ। अच्छा, तुम भी वही बिजनेस करते हैं? जी जी। अच्छा, शिहाब भाई को जानते हो आप भी? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, क्या आपने भाई, जिस दिन से उनका सफर स्टार्ट हुआ उसी दिन से, मतलब जो है कि जैसे ही वो सुर्खी में आया तो हमने उनको पहचान लिया। अच्छा, पहचान लिया। तो आप भी दुआ करना शिहाब भाई के लिए कि सफर जल्द से जल्द, अल्लाह ताला उनका सफर कामयाब करे और उनका सफर पूरा कर दे, उनकी परेशानियाँ खत्म कर दे, और अल्लाह ताला सभी दीन भाइयों को वहाँ भेजने की कोशिश। अच्छा, जो ज़्यादा अभी आप, मैंने बात करते करते आपने बोले कि भाई जो फेक न्यूज़ चल रही है उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हाँ सर, हमने तो ये सुना कि वो पाकिस्तान भी चले गए और पाकिस्तान से भी पार हो गए। अब आपने बताया कि वो फेक न्यूज़ है, तो आप ही के ज़रिए पता लग रहा है, अल्लाह ताला उनका सफ़र आसान करे।
अच्छा, तो भाई और कुछ भाई है हमारे यहाँ, तो उनसे भी बात करिए। कहा के कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील, कहाँ से हो आप? मैं आगरा से हूँ। आप भी आगरा से? अच्छा, आप भी बिजनेस करते हैं? जी। तो क्या बोलना चाहिए शहाब भाई के लिए? शहाब भाई के लिए हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह उनका सफ़र पूरा हो, अल्लाह ताला उनको जो है कामयाब करे, और उनका जो मतलब इरादा है हज करने का 2023 का, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सब दुआ करो और घर पे बोलो क्या दुआ करो। तो माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आप? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद असलम। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप भी जानते हैं शहाब भाई को? जी हाँ। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहिए आप शहाब भाई के लिए? शहाब भाई, अल्लाह पाक उनको जिस मकसद के लिए निकले हैं वो मकसद पूरा हो, और हज में जाना चाहते हैं हज में पहुँच जाएँ, और सबके लिए दुआएँ माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये चारों भाई हम मिले हमको जो लुधियाना में मिले, तो यही हम सब ने आराम करें। मेरा बिस्तर था, मेरे भाई का, और सब इमाम साहब से भी बात करने वाले, वो भी आपको हम बताने वाले। तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं यूपी आगरा से हूँ। आप भी आगरा से? जी। अच्छा, हमने जो भाई से मुलाकात की, उनसे बात की, वो भी आगरा से जी। तो शिया भाई को जानते हैं आप? जी जानता हूँ बहुत अच्छी। अच्छा, कब से जानते हैं उनको? जब से वीडियो उनका वायरल चल रहा है जब से जानता हूँ। अच्छा अच्छा, तो शिया भाई के लिए दुआ भी करना चाहिए आपने, क्या भाई उनका सफर जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, जो भी सफर में दिक्कत आ रही वो जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी जी, अल्लाह से हम यही दुआ कर रहे हैं उनके हक के अंदर, अल्लाह उनका मक्का मदीना जाना सफर आसान फरमाए। आमीन। और क्या बोलना चाहिए सभी के लिए भाई? मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी लोग शहाब भाई के इन्हीं हक में दुआ करें, समय आए, जिस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया है अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। आमीन। समय आए और हम उनके हक में नहीं दुआ करें, अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए, यही मैं कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल भाई से। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अमीन। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम देवबंद से आ रहे हैं, देवबंद यूपी। देवबंद यूपी से जा रहे हैं, दुआ तो सब कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको सलामत पहुँचाए। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाईजान, कहाँ के आप? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। अच्छा, शहाब भाई को जानते हैं आप? जी, पहचानने लगे हैं अभी। अच्छा अच्छा, क्या बोलना चाहिए उनके लिए? तो बहुत अच्छे काम के लिए निकले हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मदद नुसरत फरमाए, और अल्लाह ताला उनके लिए सफ़र आसान फरमाए, उनकी नेक दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन आमीन।